अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस्लामियात के एमसीक्यूज़। आज पार्ट 4 है। अगर इससे पहले आपने मेरी वीडियोस को नहीं देखा, मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार मेरे चैनल को प्रॉपरली विज़िट कर लें। आपको आइडिया होगा कि कितनी वीडियोस इस चैनल पे पड़ी हैं, विच आर दी रियली हेल्पफुल फॉर एनी काइंड ऑफ टेस्ट। अगर आप नॉर्मली आप स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपको, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको एक प्रॉपर ट्यूशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली मैथ सब्जेक्ट के लिए। तो मेरी कोशिश भी यही है कि मैं अपने वीडियो से आपको गाइड कर सकूं, आपके हेल्प कर सकूं। और आपकी जो फ़ीस है, जो हमारे पेरेंट्स बहुत मेहनत से आज के दौर में जो पैसा कमाना आसान नहीं है वो कमाते हैं, तो इट्स बेटर के उनकी फ़ीस ट्यूशन्स में जाएं। आप ख़ुद इंटरनेट से जाकर आप मटेरियल कलेक्ट करें, आप वहाँ से हेल्प लें और मेरी वीडियोस जो हैं उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट ऐड कर सकें। तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है। और क्योंकि मैं ख़ुद GST और PST के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, अल्दो मुझे जॉब है, लेकिन क्योंकि मेरी डिग्री जो है टीचिंग में है, तो मैं चाह रही थी कि मैं टीचिंग साइड में जाऊं, तो इसलिए मैंने अप्लाई किया। तो मैं ख़ुद अपनी तैयारी कर रही थी, तो इसलिए जो मैं ख़ुद पढ़ रही थी, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो इंशाल्लाह जी, जो जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैं ख़ुद पढ़ रही हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ आइंदा भी शेयर करती रहूँगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। तो 46 है वर्का बिन नौफिल वाज। तो वर्का बिन नौफिल वाज ये कौन था? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, कि ये फॉलोअर ऑफ रिलीजन ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, बल्कि इसको थोड़ा सा नीचे कर लें। जी, तो क्वेश्चन नंबर 47 है, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड ऑन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विच इज़ द जून 8, 632 AD। ये ए है, सी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग वाइव्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेन द टाइटल ऑफ़ द मदर ऑफ़ द पुअर। तो इसका ऑप्शन बी है, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह। तो ऑप्शन इसका क्या है? बी है। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश कर दें तो ये वाइव्स हैं, ठीक है? तो ये प्लुरल फॉर्म है वाइफ का। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, हु गिव द आइडिया टू डिग अ डिच अराउंड द सिटी ऑफ मदीना। डिच का मतलब है खाई, खंदक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, हज़रत सलमान फारसी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है ये आइडिया दिया था कि मदीना के राउंड सराउंडिंग में जो है एक खंदक खोदी जाए, ठीक है? तो अब आते हैं 50 क्वेश्चन की तरफ, हु वॉज द कमांडर ऑफ इनफिडल्स इन द बैटल ऑफ डिच। इनफिडल्स हैं जो काफिरों के, जो हमारे अपोनेंट थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अबू जहल। क्वेश्चन नंबर 51 है, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर हिज फेयरवेल सरमन एट अरफात ऑन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन इज बी, विच इज़ द 10th ज़ुलहज। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वॉज साइंड इन। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, विच इज़ द 6th हिजरा। क्वेश्चन नंबर 53 देखें, मक्का वॉज कंकर्ड इन। द करेक्ट ऑप्शन इज 8th हिजरा, विच इज़ द ए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 देखें, अब्दुल्ला बिन उबे वाज ये कौन थे? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, विच इज़ दी हाइपोक्रेट। क्वेश्चन नंबर 55, द लार्जेस्ट आर्मी दैट एवर मर्चर्ड आउट ऑफ मदीना वाज कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, विच इज़ दी 30,000 मैन।
क्वेश्चन नंबर 56 देखें कि द लार्जेस्ट आर्मी दैट एवर मार्च्ड आउट ऑफ मदीना वाज इन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है विच इज़ द ऑप्शन बी, दैट इज़ द गज़वा तबूक। क्वेश्चन नंबर 57 देखें, जजिया मीन्स पोल टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल्फे, अल्फे का मतलब क्या है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है विच इज़ द बी, लैंड्स कंकर्ड बाय मुस्लिम विच बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ इस्लामिक स्टेट्स, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 देखें, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पॉइजन्ड बाय अ जिश होस्ट एट द टाइम ऑफ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है विच इज़ द बी, कॉन्क्विस्ट ऑफ खैबर। क्वेश्चन नंबर 60 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन, विच सूरा ऑफ द होली कुरान इज कॉल्ड द हर्ट ऑफ द कुरान, कुरान पाक की सूरा किस दिल को कहा जाता है, मतलब कुरान पाक वो कौन सी सूरा है जिसको कुरान पाक का दिल कहा जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट विच इज़ द सूरा यासीन। अगर आपको किसी भी आंसर में इशू लगता है कि आंसर गलत है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस क्वेश्चन को मैं रिव्यू कर दूँगी। तो इंशाल्लाह जी अब हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अब हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।